ग्वालियर में एक महिला डॉक्टर से ठगों ने आर्मी जवानों का हार्ट चेकअप का झांसा देकर 99,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी में 2 दिन पहले की है। बताया जा रहा है कि कॉलोनी में रहने वाली अर्चना गुप्ता डॉक्टर हैं। वो जीआरएमसी में प्रोफेसर हैं। 8 नवंबर को सुबह उनके पति संजीव गुप्ता के मोबाइल नंबर पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम सतीश कुमार बताया और स्वयं को सेना का अफसर बताते हुए कहा कि उन्हें अपने 25 जवानों का हार्ट चेकअप डॉक्टर अर्चना गुप्ता से कराना है। संजीव ने सतीश कुमार को डॉक्टर अर्चना का नंबर दे दिया और उसी नंबर से डॉक्टर अर्चना के व्हाट्सएप पर कॉल आया। बातचीत होने पर डॉक्टर ने सतीश कुमार को जवानों का चेकअप करने की हामी भर दी। डॉक्टर की बातचीत तय होने के बाद सतीश कुमार ने बताया कि वो आर्मी एरिया कैंट में पदस्थ है। इसके बाद पेमेंट के नाम पर एक मैसेज आते ही अकाउंट से 99,511 रुपए कट गए। ठगी का पता चलते ही पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस कप्तान ने साइबर सेल को मामले में कार्रवाई कर ठगों को पकड़ने का टास्क दिया है, जिस पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। झांसी रोड थाना अंतर्गत श्रीराम कॉलोनी निवासी एक महिला डॉक्टर के साथ में कुछ साइबर ठगों द्वारा लगभग 99,000 रुपए की ठगी की गई है, जिसमें उन्होंने आर्मी जवानों के चेकअप के रूप में कुछ एडवांस राशि देने के नाम पे जो उनकी गोपनीय जानकारी थी वो उनसे फ़ोन करके प्राप्त की और राशि को जब उनको मैसेज आया राशि के डिडक्ट होने का तब उनको अपने फ्रॉड का सूचना लगी, जिस पर से उन्होंने साइबर थाने में पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आवेदन दिया था। सारे तथ्य वेरीफाई करने के बाद में पुलिस में साइबर क्राइम ने इसमें मामला पंजीकृत करके जांच शुरू कर दिया।